आइए अब जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब विशिष्ट आयतन। क्या? विशिष्ट आयतन। ठीक है, ये थर्मल में मतलब क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम में भी प्रदर्शित किया जाता है। थर्मल बहुत ज़्यादा यूज होता है हाइड्रोलिक्स का, आप जानते होंगे। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया समझते हैं क्या। पहली बात तो ये स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है वो उसको हम स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और स्मॉल वी बराबर होता है कैपिटल वी बट्टे एम, यानी वॉल्यूम बट्टे मास, आयतन बट्टे द्रव्यमान। ठीक है, आयतन बट्टे द्रव्यमान। अब अगर हम यहाँ एम का मान मान लो 1 kg ले लें, यानी यूनिट मास। क्या? यूनिट मास। क्या? यूनिट मास की आयतन को हम क्या कहते हैं? ये वैल्यू है, परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी? यूनिट मास यानी एकांक द्रव्यमान के आयतन को स्पेसिफिक वैल्यू कहते हैं। यानी यूनिट मास के वैल्यू को क्या कहा जाता है दोस्त? स्पेसिफिक वैल्यू कहा जाता है। यानी बोला जाए तो इस तरह से बोला जा सकता है कि यूनिट मास में फ्लूड की मात्रा को, वासन में यूनिट मास के फ्लूड के आयतन को हम क्या कहते हैं? वो यहाँ पे विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसका मात्रक होता क्या? इसका मात्रक मीटर क्यूब पर केजी। अच्छा, अगर हम इसको क्या करें, इसको हम 1/2 करके एम बाई वी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पलट के ही तो ऊपर जाता है। ये आप अभी पढ़ गया हो कि एम बाई वी जो होता है वो होता क्या? वो डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो हमारा स्मॉल वी बराबर हो गया 1/ρ। ठीक, तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलती है। क्या? अगर बताओ वो डेंसिटी का मान बढ़ा रहे, डेंसिटी का मान मान लो घटा रहे हो, यहाँ घटाना लिखा घटा रहे हो, तो क्या होगा? वॉल्यूम का मान, स्पेसिफिक वॉल्यूम मान क्या होगा? बढ़ेगा। स्पेसिफिक डेंसिटी का मान अगर आप बढ़ा रहे हो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान क्या होगा? घटेगा। अब इसका मतलब समझते क्या है, इसका मतलब समझते क्या है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, एक बॉक्स है जो मेटल का है 1 kg का। ठीक, यहाँ पे लकड़ी है, देखो एक बॉक्स है, इसमें लकड़ी भरी हुई 1 kg। ठीक, तो हम जानते हैं क्या, जो मेटल होता है उसके मालिकूल क्या होते हैं? मालिकूल जो होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, यानी बहुत पास पास होंगे। ठीक, जिससे उनकी डेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी लकड़ी की अपेक्षा। ठीक है, अधिक होगी। जब इसकी डेंसिटी मेटल की डेंसिटी आपका लकड़ी की डेंसिटी से अधिक होगी तो इसका स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगा? कम होगा। स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगा? कम होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लो ये कोई बर्तन है, ये कोई बॉटल दिखाई दे रहा, ठीक है, बॉटल है, और इसमें हम 1 kg मेटल भी डालें और 1 kg लकड़ी भी डालें। ठीक, तो हम देखेंगे अगर मेटल जो क्या बोलते हैं यहाँ तक आ रहा है, मान लो यहाँ तक भरने पर आ रहा है 1 kg मेटल, तो लकड़ी पूरा पूरा भर जाएगी। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा क्योंकि डेंसिटी जो है मतलब मेटल की वो क्या है? ज़्यादा है, इसकी वजह से वो इतने में ही क्या हो गई? इतने में ही आ गई। लेकिन जो लकड़ी है उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। उसकी डेंसिटी क्या? कम है। इसकी वजह से क्या होता है? उसका स्पेसिफिक वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, मतलब पूरा भरना पड़ा। बात तो समझ में आ गई, तो ये बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया? कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है जिस मटेरियल की, उसका स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है? कम होता है। और जिस भी मटेरियल की डेंसिटी कम होती है उसका स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब उसके लिए बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अच्छा, हम इसी चीज़ को यहाँ पर भी समझते हैं। ठीक, यहाँ पर समझते हैं, हम देख क्या रहे हैं आप? हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बर्तन हैं, मतलब ऐसे जो फ्रूटी का हमने दिखाया है, 2 ऐसे मतलब बॉटल है। ठीक है, अब इस एक बॉटल में मान लीजिए वाटर है, एक बॉटल में हमने क्या किया? शहद भर, यानी 1 kg हमने मान लीजिए इसमें, 1 kg नहीं मतलब मान लीजिए हम 200 जो मतलब क्या बोलते हैं कि यानी 500 ml समझो। ठीक है, या 300 ml हमने मतलब क्या बोलते हैं कि एक मतलब वाटर लिया और 300 ml हमने क्या किया?
हनी लिया, हनी मतलब आपका जानी रहे मधुमक्खी का जो रस होता है उसको लिया, ठीक है। अब इसमें अगर वाटर हम भरते हैं इसमें उसकी ऊंचाई हम देख रहे हैं, जब इसमें वाटर हमने भरा 300 ml, हो सकता है मान लो यहाँ तक हो, इसकी ऊंचाई ज़्यादा आपको प्राप्त हो, यहाँ से 5 mm तक मान लो ऊंचाई तक पहुँचे। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का समान है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों समान। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, शहद इसमें भरा, ठीक है, उतने ही 300 ml। तो 300 ml अगर इसमें हम शहद भरेंगे और 300 ml अगर इसमें हम वाटर भरेंगे तो वाटर आपको यहाँ से यहाँ तक शो करेगा, लेकिन जो आपका शहद होगा वो हो सकता है वो यहाँ तक ही शो करे, हो सकता है वो यहाँ तक ही शो करे। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बनाया है और वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या है सेम माना। तो ये शहद इसमें भरा हुआ है इस वाले में, तो इसमें आपका 2 mm दिखाया गया है, यहाँ 5 mm वाटर को दिखाया गया है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप देख रहे हो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि शहद जो होगा उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वैल्यू की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगा उसका, कम होगा, यानी कम ही में आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ जो वाटर हैं मधुमक्खी मतलब जो आपका हनी है उसकी अपेक्षा उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये जब हम उसी बर्तन में डाले या उसी तरह के बर्तन में उसको 300 ml को डालेंगे तो उसमें ऊंचाई क्या करें अधिक शो करें, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया समान लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया समान है ना, तो ऊंचाई अधिक शो करेगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है आपका कम है, इसलिए वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाएगा। ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी, ये बात शायद आपको समझ में ये आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें, अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये बताओ वाटर का स्पेसिफिक वैल्यू कितना, तो हम जानते हैं कि वी बराबर होता है 1/2 ρ, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है होती क्या, वो 1/1000 इतने पे 1 atmospheric प्रेशर 4 degree Celsius, ये आपका आ जाएगा m³/kg, या इसको हम बोल सकते हैं क्या 10⁻³ m³/kg। ये बात शायद आपको समझ में आ रही हो, ठीक। अच्छा, ऐसे ही बहुत ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी मतलब क्या बोलते हैं ये मतलब स्पेसिफिकिटी और डेंसिटी में रिलेशन होते हैं जिन्हें हम बता सकते हैं। जैसे हम बात आपसे करते हैं एक मटेरियल का, जैसे मान लो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1440 क्या kg per meter cube। और इसका अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू निकालेंगे तो अब क्या करोगे, इसके मतलब इस एक में हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक 1/ρ जो होता है क्या होता है आपका स्पेसिफिक वैल्यू होता है, तो आता है आपका कितना 6.94 × 10⁻⁴ क्या m³/kg, ठीक है, m³/kg। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ईंट की, ब्रिक्स, ठीक, इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है 1600 से 1920 kg/m³, ठीक। और इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं अलग 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 से भाग करके देखोगे उसको भी निकाला जा सकता है, ठीक। तो ये आपका क्या रहा स्पेसिफिक वैल्यू, शायद समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।